दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके सामने कैल्सीमैक्स और कैल्सीमैक्स प्री सिरप के बारे में बताऊंगा, इसके क्या क्या यूजेज हैं और किस प्रकार यूज किया जाता है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगा। इससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कैल्शियम की कमी के कारण बच्चों में अच्छे से विकास नहीं हो पाता है, जिनके एज के हिसाब से, जैसे बच्चा 7-8 महीने का होने पर भी उसमें दांत नहीं आना या दांत में दर्द होना, या बच्चा अच्छे से खड़ा नहीं हो पा रहा है या चल नहीं सकता है, अपने एज के हिसाब से वो चल भी नहीं सकता या खड़ा नहीं हो सकता है, तो उसमें कैल्शियम की मात्रा की कमी हो सकती है, जिसके पूरा करने कैल्शियम के पूरा करने के लिए आज मैं आपके सामने कैल्शियमैक्स पी और कैल्शियमैक्स सिरप के बारे में बताऊंगा। देखते हैं इसमें कंटेंट के बारे में। कैल्शियमैक्स में कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और विटामिन D3 होता है, जो बच्चों को स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए बहुत ही अच्छी सिरप है। और कैल्शियमैक्स पी में आपको कैल्शियम और फॉस्फेट, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक और विटामिन D3। फॉस्फोरस दोस्तों बच्चे के बोन्स को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है और बच्चे के विकास के लिए बहुत ही अच्छा है। कैल्शियम के कारण होने वाली बीमारियां जैसे बच्चों के दांत टाइम पर नहीं आना, या बच्चा खड़ा नहीं हो पा रहा है, या बच्चा अपने एज के हिसाब से चल नहीं सकता है, या उसमें विटामिन D3 की कमी है, हृदय का संकुचन कम है, रक्त में मैग्नीशियम की कमी है, रक्त का जमाव हो जाना, कुपोषित बच्चों में बार बार दस्त हो जाना, या कैल्शियम का स्तर बहुत ही कम है, तो इसके लिए कैल्शियमैक्स पी और कैल्शियमैक्स सिरप का आप यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी सिरप है, इसका यूज कोई भी कर सकता है, बड़े बच्चे। अगर आपका बच्चा 10 महीने से नीचे है तो 2.5 ml दीजिएगा, अगर बच्चा 10 महीने से ऊपर है तो 5 ml बच्चे को पिला सकते हैं। इसके नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे बच्चे को प्यास लगना, पेट में हल्का दर्द होना या उल्टी होना, या हृदय की गति कम हो जाना। दोस्तों इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये नॉर्मल है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।